गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू लाइव क्लास ऑफ होप इंस्टीट्यूट। और आज हम लेके आए हैं SCGD नोटिफिकेशन जो आया है उसका वीडियो। कुछ दिनों से वीडियो लेके नहीं आ रहा था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, फिर से हम लोग वीडियो का सिलसिला चालू किए हैं। SCGD नोटिफिकेशन, जैसे कि 5 सितंबर को आपने सुना होगा, एक बड़ी वैकेंसी, एक बड़ा पोस्ट और एक बड़ी सफलता के लिए आपके लिए गवर्नमेंट ने वैकेंसी दिया है SCGD। हम लोग SCGD की बात यदि करते हैं तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में SSC MTS का भी ख्याल आता है। SSC MTS की बात करें और GD की बात करें, आप देखोगे सिलेबस सेम है, अंतर सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ये है, SSC GD में हिंदी इंग्लिश दो ऑप्शन होते हैं और MTS में आपके पास इंग्लिश का ऑप्शन होता है। आप चाहो तो यहाँ पे कर क्या सकते हो कि जो लोग MTS का परीक्षा सामने है, आपको दिख रहा होगा, जिसके वैकेंसी आपके सामने फॉर्म भरा जा चुका है और एग्जामिनेशन होने वाला है, और GD का एग्जामिनेशन जनवरी और फरवरी में कहा गया है, तो जो लोग MTS की तैयारी कर रहे हैं उनका SSC GD भी हो सकता है। आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, SSC GD और MTS बहुत अलग नहीं है, ये बात दिमाग में आप फिट बैठा लीजिए, SSC GD और MTS बहुत अलग नहीं है। 2024 की वैकेंसी आपके सामने दिख रहा है, SSC GD 2024, मैं इस पे बात करूंगा, वैकेंसी के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सिलेबस के बारे में, सारी चीजों मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा इन सारी चीजों को, प्रिपेयर कैसे करें। आई एम सेल्फ मदेंदु सिंह, डायरेक्टर होप इंस्टीट्यूट, और आज आपके सामने लेके आया हूँ SSC GD के बारे में नोटिफिकेशन, पैटर्न, एग्जामिनेशन सिलेबस और क्या क्या यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन, और शिक्षक दिवस के दिन गवर्नमेंट ने एक बड़ा तोहफा दिया है सारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप अपने कैरियर को संवार सके, आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सके। आते हैं वैकेंसी के बारे में डिटेल देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे वैकेंसी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारे कुछ पे आगे हम लोग बात करते हैं। नोटिफिकेशन के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने डेट्स को भी लगा के रखा, यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/9/2024 से 14/10/2024। और आपको पता है SSC बहुत लंबा समय देती है फॉर्म भरने का, लगभग पूरा देखा जाए तो एक महीना का फॉर्म भरने का टाइम है। ये 5 नवंबर 2024 से 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक ये वैकेंसी है। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसिपिएंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 14/10/2024 तक ये लास्ट डेट है, यानी शुरुआत कब से, जस्ट डे के दिन 5 सितंबर से है और ये खत्म कब हो रही है, ये 14/10 को, यानी 14 अक्टूबर को ये खत्म, लगभग दुर्गा पूजा का वहां पे एंडिंग होगा, उस समय ये फॉर्म भरना खत्म होगा। लास्ट डेट ऑफ मार्किंग ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट जो 15 तारीख, एक दिन ज्यादा रहता है, आपको ये पता है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यदि कुछ गलत करते हैं आप तो करेक्शन के लिए भी समय मिला हुआ है, ये 5/11 से लेकर 7/11 तक, तब तक एक महीना में गवर्नमेंट आपका फॉर्म देख लेगी, कुछ एरर तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, उसको ठीक करने के लिए आपको समय देगी। 5/11 यानी 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर में उसको ठीक कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्जामिनेशन होगा PT का SSC GD के लिए, वो लगभग जनवरी फरवरी 2025 का मतलब जनवरी फरवरी 2025 के शुरुआत दौर में ही एग्जामिनेशन होगा। जो बच्चे MTS की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समझिए बहुत बढ़िया मौका है, और इसको ये PT का क्वालिफाई कर सकते हैं। अरे फिजिकल तो बाद में देखा जाएगा ना, वो तो एग्जामिनेशन के बाद, पहले PT की हम लोग बात कर ले उसके बाद। और अच्छी बात है कि ठंडा का दिन रहेगा और थोड़ा थोड़ा जनवरी फरवरी से आप दौड़ना शुरू करोगे, फिजिकल आपका हो जाएगा। आगे की बात करते हैं हम लोग यहां पे, आगे की बात यदि करें हम लोग यहां पे, नोटिफिकेशन में क्या कहा है कि यहां पे ध्यान समझिएगा, आपको ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी 18-23 ईयर एज ऑन 1/1/2025। ये ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2025 तक ये डेट काउंट किया है। थोड़ा सा यहां पे SSC ने थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है यहाँ पे, कि एज का काउंटिंग वो 1 जनवरी 2025 से कर रहा है, यानी एज 18 से लेकर आपका होना चाहिए, कितना, 23 साल तक आपका एज होना चाहिए। और ध्यान दीजिए यहाँ पे ये भी कहता है कैंडिडेट
बॉर्न नॉट बी बिफोर 2011 2002, यानी कि 2002 के पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। तो डेट अपना देख लीजिए, किस लोग का एज निकल गया होगा, जिनका एज बचा हुआ है वो लोग इस फॉर्म को जरूर भरे। और अच्छी बात क्या है कि मैट्रिक लेवल वैकेंसी है, और मैट्रिक लेवल वैकेंसी है तो लगभग लोग बहुत सारे लोग भरेंगे इस फॉर्म को। आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, यदि फर्दर बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं करना, नॉर्मल सी बात करें हम लोग यहाँ पे, छोटा सा चीज है, कैंडिडेट्स मस्ट मैट्रिक पास होना चाहिए। सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में ये बात तो कहेंगे, कैंडिडेट जो हमारा मैट्रिक 10th पास आउट होना चाहिए। 10th यदि आप पास कर गए हैं, आपका एज 18 साल हो चुका है, आप SSC GD के लिए एलिजिबल है, SSC GD के फॉर्म को भर सकते हैं और तैयारी आराम से कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसके बाद कि आपको सिलेबस क्या, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आपके पास होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी है। यदि मैं MTS की बात करूँ वहाँ सिर्फ इंग्लिश होता है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन में है। तो जो लोग MTS की तैयारी कर रहे हैं या CHSL की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इंग्लिश ही रखें ताकि उनको एक्स्ट्रा हिंदी ना पढ़ना पड़े, और जो लोग का इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे वो SSC GD के लिए हिंदी रख सकते हैं। ये भी 20 क्वेश्चन कितने 40 मार्क्स का और 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, ये एग्जामिनेशन के सिलेबस का पैटर्न है। इसके बाद आपको यदि PT क्वालिफाई करते हैं तो आप फिजिकल लिया जाएगा, आपको फिजिकल का एग्जामिनेशन फिजिकल देना होगा, और फिजिकल की बात करें हम लोग तो वो आपको पास करना होगा। इसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस की बात करें हम लोग यहाँ पे, GA की सिलेबस की बात करें, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, नेबरिंग कंट्रीज अदर इंडिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये सिलेबस है किसका, जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है। आप इससे जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर सकते हैं जिसमें करंट अफेयर्स होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सारे पेपर्स आपके दिए गए, ध्यान समझिएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अपना पेपर, मैं क्लास में बार बार आपको बोलता हूँ मैथमेटिक्स जैसा आसान कुछ होता ही नहीं है। बहुत बच्चे सुन के ये गुस्सा ही करते हैं, सर क्या बोल रहे हैं आप, मैथ्स तो सबसे टफ होता है। मैं कहता हूँ मैथ सबसे आसान है, क्यों आसान है ये बार बार मैं क्लास में आपको बताता हूँ, बार बार चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ये आसान है, ध्यान समझते हैं सिलेबस को। दिस सेक्शन विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हो गया, कंपटीशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ETC। ये लगभग सिलेबस आपको, मैं क्या बोला, MTS का सिलेबस की जानकारी यदि है आपको, आपको SSC GT की भी सिलेबस की। और कैसे यार हम ये, मैं आपको ये बोल रहा हूँ MTS से अलग थोड़ी SSC GT, यानी जो लोग प्रॉपर, मैं बात करूँ सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल लेबर, उनके लिए सब एग्जाम एक है, अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत जो अंतर, उस अंतर को आप, अंतर को दूर कीजिए और पढ़ाई कीजिए, एकदम रिजल्ट आएगा। मैं यहां तक कहता हूं जो लोग CGL की भी तैयारी कर रहे हैं उनका एज बचा हुआ है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनकी तैयारी भी एक बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है और उनका रिजल्ट आ सकता है। आगे की मैं बात करूं, इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस की बात करूं, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी और बेसिक कॉम्प्रिहेंशन टेस्टेड। हिंदी और इंग्लिश बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन आता है और इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आप इंग्लिश और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि लैंग्वेज की समझ आपके पास होनी चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग आपको आना चाहिए, पैराग्राफ राइटिंग का मतलब उससे कॉम्प्रिहेंशन होंगे और कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन मिलेगा वो आपको आना चाहिए। हिंदी में भी सेम चीज़ है कि आपको पैराग्राफ आना चाहिए और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को करोगे। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, आगे हमारा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न हुई टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चन प्रिंसिपली नॉन वर्बल टाइप, नॉन वर्बल रहेगा। द कंपोनेंट मे बी इंक्लूड क्वेश्चन एनालॉजी, सिमिलरिटी एज डिफरेंसेज, स्पायरल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रीजनिंग। कितना आसान सा चीज़ है, आसान सा चीज़ है, आराम से एग्जामिनेशन में आप बच्चे करके आते हो। रीजनिंग सबसे आसान है, मैथ से भी आसान रीजनिंग है,
बशर्ते आप दिमाग लगाना सीखो कि दिमाग लगाते कैसे हैं। अपने छोटा सा दिमाग है ना, जो दिमाग जो आपको 250 ग्राम का दिमाग मिला है ना, उसको यूज करो। रिजल्ट बहुत आसान है, बहुत टफ चीज नहीं है ये सारी चीज। आपको लगता है ये टफ है, रियलिटी बात करूं तो कॉम्पिटिशन जो है बहुत टफ नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत ही आसान है। आप एक बार अच्छे से करोगे ना चीजों को, सबसे पहले सिर्फ कुछ मत करो। आपको मैं बार बार ये गाइड करता हूं, आप तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की, ये चार चीजों को स्ट्रांग करो। सामने एग्जामिनेशन कोई भी हो, एग्जामिनेशन 4 के आ जाएंगे, एग्जामिनेशन 5 के आ जाएंगे, रिजल्ट आएगा। मैं बोल रहा हूं ये बार बार बात, आपको इस बात को ध्यान दीजिए। तैयारी करना है तो मैथ्स ही करो, मैथ्स को बढ़िया करो, इंग्लिश को बढ़िया करो, रीजनिंग को बढ़िया करो, इंग्लिश को बढ़िया करो, जीएस को बढ़िया करो, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। एग्जाम सामने कोई भी हो मैटर नहीं करता। मैं एसएससी की बात करूं, एमटीएस और एसएससी जीडी अलग नहीं है, और बहुत वैकेंसी है, बहुत पोस्ट मिला है। हर बार आपने देखा होगा वैकेंसी बढ़ता है, इस बार भी बढ़ेगा, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। मेरा वीडियो पूरा देख लो और एक बार याद करना कि सर ने क्या बोला था, आपकी वैकेंसी बढ़ेगी अभी और। इसलिए कमर कस के तैयार रहिए सभी लोग, और आपको ये रिजल्ट आएगा अच्छे से करोगे तो। आगे बात करते हैं हम लोग कि फिजिकल टेस्ट, फिजिकल में बहुत आसान से समझिए यहाँ पे। हाँ, 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, मेल के लिए, पुरुषों के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। और उसके बारे में बात करें हम यहाँ पे फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, यानी 1.5 किलोमीटर थोड़ा सा ज्यादा, 8.5 मिनट समय मिलेगा। और बात करें 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में और 800 मीटर 5 मिनट में, ये आपको रनिंग के लिए फिजिकल के लिए तैयार है, ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख, फॉर द कैंडिडेट लद्दाख, लद्दाख रीजन के अलग जो है बाकी सबको फिजिकल टेस्ट में यही होगा। आगे बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बाद, हाइट। हाइट जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए लगभग 5 फीट 7 इंच, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर 5 फीट 7 इंच, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। सम कैटेगरीज कैंडिडेट आर गिवन रिलैक्सेशन अबव द मेंशनड हाइट, ध्यान दीजिएगा। एसटीएससी और एसटीएससी को छूट भी मिलेगा हाइट में, हाइट यदि कम भी होगा चलेगा। एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देखे और फॉर्म भर दीजिए सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर दे। आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, चेस्ट अनएक्सपेंस 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, है ना, पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी की तैयारी करे कैसे, करे कैसे, किस तरीके से तैयारी होगा। मैं बार बार ये बात आपको रिपीट करता हूं कि यदि आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीडी की फॉर्म को जरूर भरिए। यदि एमटीएस की तैयारी आप तैयारी अच्छी है तो जीडी की भी तैयारी आपकी अच्छी है, और आप पेपर कमांड की रिजल्ट आएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को फॉलो कीजिए, थैंक्स फॉर एवरीबॉडी, ओके बाय एवरीबॉडी, ओके बाय।